पूजनी संत समाज, सज्जनों और देवियों, कल्याण क्या है? कल्याण में रोड़ा क्या है? कल्याण में सहयोगी कौन है और क्या है? इन प्रश्नों पर विचार करें। कल्याण है इस जीवन में रहते रहते सारा भय मिट जाना, मन का दुख मिट जाना, मन में पूरा विश्राम, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, निश्चिंत निर्मल निर्भय प्रसन्न मन से संपन्न निरंतर रहना कल्याण है। इसमें रोड़ा क्या है? हमारी खोटी आदतें, हमारी बेसमझी, अनेक प्रकार के अंधविश्वास, गलत समझदारी में जो गलतियां हैं, ये सब उसके रोड़े हैं। कल्याण में सहयोगी कौन है? जो अंतर्मुखता की तरफ प्रेरित करें, ऐसे मनुष्य, ऐसे साहित्य, ऐसे वातावरण कल्याण में सहयोगी है। अंतर्मुखता की तरफ प्रेरित करने वाले मनुष्यों को हम सज्जन और संत और सद्गुरु कहते हैं। ये हमारे कल्याण की तरफ प्रेरणा देने वाले हैं। सबकी भूख है कि हमें दुख ना हो, केवल सुख सुख हो। किसी भी विषय वस्तु को हम सोचते हैं तो उसमें केवल सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। दुख जीव का शत्रु है। जहाँ उसे दुख का आभास होता है उसको छोड़ता है। अगर बिच्छू अपने ऊपर गिर पड़े, सांप गिर पड़े, झट से लोग फेंक देते हैं। व्यंजन भरा थाल हो और परोसने वाला कह दे इसमें थोड़ा विष मिला है तो आदमी तुरंत उठ पड़ेगा। दुख जीव को पसंद नहीं। दुख न पसंद होते हुए भी समझ सही न होने से लोग दुख का काम करते हैं, जिससे दुख बढ़े ऐसा काम करते हैं। दुख की तरफ ले जाने वाले जो तत्व हैं, पहली तो अपनी बेसमझी है, फिर बाहर के प्राणी पदार्थ हैं। अपनी बेसमझी से पदार्थों में आकर्षण, और आप गंभीरता से विचारें तो अपने जीवन में जहाँ कभी भी आकर्षित हुए होंगे आज वो निस्सार लगता होगा। जहाँ भयंकर आकर्षण कभी आपका रहा होगा आज लगता होगा मेरी भयंकर मूर्खता थी। जहाँ आकर्षण होता है भौतिक पदार्थों में वहीं अपनी मूर्खता सिद्ध होती है, क्योंकि आकर्षण ही मूर्खता है। लेकिन जब आकर्षण होता है तब मूर्खता नहीं लगती है, तब लगता है यथार्थ। यथार्थ मान करके ही आदमी आकर्षित होता है। अवाकर्षित होकर के जब पतित हो जाता है, जब पीछे पता चलता है तो मेरी मूर्खता थी, तब कोई सुधार का चांस नहीं रहता है।
तो वो गंवा चुका होता है अपने को। लेकिन तब भी सावधान हो जाए तो आगे उसके बंधन की एक बार ठगावे बावनबीर कहावे, बार बार ठगावे गप्पू नाथ कहावे। बार बार अपने को न ठगाना चाहिए। जहाँ कहीं आकर्षण मेरा हुआ है मेरी मूर्खता रहे। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सचमुच आकर्षक हो। भारतवर्ष में इस समय जो सबसे बड़ा पद है वो प्रधानमंत्री का है। राष्ट्रपति महिमा के लिए है, उसके हाथ में पावर नहीं, एक शोभा का पद है। प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा आकर्षक पद है। लेकिन प्रधानमंत्री होने के बाद ही संकट उनके ऊपर रहता है, और प्रधानमंत्री पद से उतर करके प्रधानमंत्री रोने वाले कई हुए हैं। आज कई प्रधानमंत्री बैठे हैं जो भूतपूर्व थे, भूत प्रधानमंत्री कई बैठे हैं जो भूत हो गए हैं, और बेचारे अपने कमरे में बैठे वो क्यों रो रहे हैं। प्रधानमंत्री पद सबसे बड़ा आकर्षक है लौकिक दृष्टि से भारतवर्ष में। लेकिन जो जो प्रधानमंत्री हुए पीछे रोना हुआ। एक प्रधानमंत्री का सेवक तो मुझसे कहता था आज से 15 वर्ष पूर्व, जो उनके शरीर में कुछ दवाई लगाता था सफ़ेदी सफ़ेदी की, कहता था महाराज इस समय वो रो रहे हैं बहुत दुखी। मैंने कहा तो उन्होंने गलती भी की है, और वो 15 वर्ष ही नहीं है 25 वर्ष हो गए होंगे, 25 से ऊपर। जहाँ सबसे बड़ा आकर्षण है विवाह होता है युवक युवती का, पारस्परिक आकर्षण उस समय का अद्भुत होता है। इतना बड़ा समाज बैठा है और उसके भुक्तभोगी इसमें बहुत होंगे। अब वो स्वयं सोचें क्या आकर्षण है। जिस पत्नी के लिए वे आकर्षित थे क्या आज हैं, या जो देवी अपने पद के लिए आकर्षित थी आज है, आज नहीं। किंतु और विकर्षण है, ऊब है। पति का नाम सुनकर के कितनी देवियां चिढ़ती हैं, और पत्नी का नाम सुनकर के कितने देवता चिढ़ते हैं। मेरे कार्यक्रम में एक विद्वान आए, शायद है छोटा कार्यक्रम था उस समय। मैंने कहा पत्नी ठीक है कि हाँ महाराज, पत्नी का अर्थ जो पतित करे, और पति का अर्थ जो पतित करे। पत्नी को पतित करता है और पत्नी पति को पतित करती है। पंडित आदमी थे, भाषा जानते थे। मैंने कहा भाई आपने अद्भुत अर्थ किया, पत्नी पतित करती है ऐसा क्यों कहते हैं, ये क्यों नहीं कहते हम पतित होते हैं। उनके मन में विकर्षण था। जब आप किसी मिष्ठान युक्त भोजन में आकर्षित होते हैं तो आपको पता होगा कि 20 मिनट के बाद ही आपको पछतावा होता होगा। मिष्ठान युक्त भोजन में आकर्षित होकर के ज़्यादा खा लिए, और उसी के पश्चात विकर्षण कि मैंने गलत किया। छोटा आकर्षण हो चाहे बड़ा आकर्षण हो, छोटे आकर्षण में हल्का चांटा लगेगा, बड़े आकर्षण में बड़ा चांटा लगेगा। दशरथ कैकेयी के प्रति बहुत आकर्षित थे, कैकेयी सुंदरी थी। सुंदरी कहना पड़ता है जिस ढंग से लोग कहते हैं, है तो हाड़ चम का शरीर। वो पंजाब की थी, ब्यास नदी के क्षेत्र की थी, कैकेयी देश वहीं माना जाता था।
और जब उन्होंने विवाह किया था तब कैके नरेश से ये प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने प्रतिज्ञा करा ली थी कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा ही अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा, जब ये स्वीकारें तो मैं शादी करूँगा। तो उन्होंने स्वीकारा था दशरथ ने, और इसी भय से वह जब भरत चले गए थे ननिहाल तब राम को गद्दी दे रहे थे, और यहाँ तक वो कह भी डाले थे दशरथ राम से कि तुम्हारी गद्दी कल ही हो जाए। भरत तुम्हारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, साधु स्वभाव हैं, सब ठीक है, लेकिन सज्जनों का मन भी बदलता है, इसलिए अयोध्या से जब तक वे दूर हैं तुम्हारी गद्दी हो जाना चाहिए, ऐसा साफ वाल्मीकि रामायण में लिखा है। और श्री राम ने भी भरत को चित्रकूट में बताया है कि गद्दी के अधिकारी तुम ही हो, क्योंकि पिताजी तो कैकेयी के विवाह में ही हार गए थे। और इस आकर्षण का परिणाम क्या हुआ, रो रो करके छटपटा छटपटा करके दशरथ को मरना पड़ा। सीता जी और श्री राम सोने के मृग में मोह गए, भयंकर आकर्षण, सीता उतावली हो गई स्वर्ण मृग देख करके, श्री राम तोड़ी संभाल लिए, बांध लिए पीठ पर, धनुष बाण ले लिए। लक्ष्मण ने कहा भैया हड़बड़ाइए मत, सोने का मृग नहीं होता, इसमें दाल में काला है। श्री राम ने कहा जो हो, जीते या मरे इसको लाना है, सीता बहुत चाहती। लक्ष्मण का रोकना भी वे नहीं माने, और परिणाम आप जानते हैं, कुछ ही मिनट के बाद भयंकर घटना हुई। सीता एक जबरदस्त बलवान नरेश के पंजे में तड़फड़ा रही हैं, और राम बन बन रो रहे हैं, और उसके पश्चात भयंकर युद्ध, और उसके पश्चात जब अयोध्या में आते हैं तो भयंकर अपवाद। इतना दिन सीता जिस पराये पुरुष के घर में रही हो, उस सीता को फिर से पत्नी राम का बना लेना बहुत गलत है। और जैसे जैसे वर्णन वाल्मीकि रामायण में, मैं आपके बीच में कह नहीं सकता, और ये अपवाद इतना बढ़ा, धोबी ने ताना मारा, ये वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है। वास्तव में जनभावना भड़क गई थी, अब ये गलत बात थी, अयोध्या वासियों की गलती थी, सीता जी निर्दोष थी, वो रावण के यहाँ खुशी से नहीं गई थी, लेकिन ये संसार के लोगों को समझाना सरल नहीं है। और उलझ गए महाराज राम, और सीता को निकाल दिए, धोखा देके निकाले। लक्ष्मण से कहा कि ले जाओ गंगा पार, वाल्मीकि आश्रम के वन में छोड़ देना, वहाँ पहले ले जाओ तो कहो कि तुम्हें ऋषियों के आश्रम में घुमाने ले चल रहा हूँ। सीता जी ने कहा था कि मन होता है एक रात ऋषियों के आश्रम में घूम के आऊँ, तो वही घुमाने ले चल रहा हूँ। जब गंगा पार ले जाना, किसी पेड़ के नीचे बैठा देना और कह देना कि अपवाद के डर से श्री राम ने तुम्हें सदा के लिए त्याग दिया। और ऐसे लक्ष्मण की भयंकर दुख, और उसी दुख में सीता जी अंत में नैमिषारण्य क्षेत्र में धरती में प्रवेश की, और श्री राम को भी बड़ी पीड़ा हुई। एक सोने के मृग के आकर्षण ने दोनों को भयंकर ताप दिया। महाभारत में आता है असंभवे हेम महेश जंतोस्तथापि रामौ लुलुभे मृगाय, प्रायः समासन्न पराभवानां धियो विपर्यस तत्रा भवन्ति। सोने का मृग होना असंभव है, लेकिन राम जैसे पुरुष भी उसमें लुभा गए, राज छोड़ दिए तृण के समान, लेकिन सोने जैसे दिखते हुए मृग में मोह गए।
अब उस थोड़ी सी त्रुटि ने इतना जोर से धक्का दिया कि जीवन दुख में हो गया। हमारे कल्याण में जो भयंकर रोड़ा है वो हमारे मन की अविद्या है। अविद्या से हम आकर्षित होते हैं इंद्रियों के भोगों में, और जितना उसमें लगते हैं उतना हमारा पतन होता है। जितनी मात्रा में उसमें लगेंगे उतनी मात्रा में हमारा पतन होगा। इस पतन को कोई रोकने वाला नहीं, ये कारण कारज की व्यवस्था है, अटूट व्यवस्था है। भोगों में जितना लगेंगे उतना अपना पतन होगा, छोटे भोग में, बड़े भोग में, कहीं भी। और इस तरह बुद्धि को उत्साहित करने वाले जितने साधन हैं, चाहे मनुष्य, चाहे साहित्य, चाहे वातावरण, वो सब कल्याण की विपरीत है। जो भोगों में उत्साहित करें, जितना आदमी भोगों में उत्साहित होगा उतना अपराधी होगा। एक आदमी अपने मन पर संयम नहीं कर पा रहा, वो आजीवन ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकता, तो इसलिए विवाह करता है और मर्यादा से रहता है। मर्यादा से भले रहे लेकिन अपने पर संयम न करने के कारण गृहस्थी का पूरा बोझा उसके ऊपर आ जाता है और जीवन भर छुट्टी नहीं है। संयम रखते हुए भी अपने को पूरा नहीं संभाल पाए कि असंग रहे, जीवन भर गृहस्थी का बोझा उसके ऊपर है। और अपने में भी अगर ज़्यादा असंयत होगा तो रोग बढ़ेगा, तृष्णा बढ़ेगी और अशांति बढ़ेगी। और लोक नीत को भी तोड़ दिया, भोग में और आगे बढ़ा तो बदनाम होगा, जेल भी जा सकता है, मारा पीटा भी जा सकता है। आदमी मेहनत करके धन प्राप्त करता है, उपयोग करता है, ये नीति है। जब ज़्यादा लोभ करता है तो वो आपाधापी करता है, और आपाधापी करने से उसका चित्त मलिन होता है, बदनाम होता है, वातावरण उसके लिए खराब होता है, उसका और पतन होता है। जब और चोरी डाका बेईमानी में पड़ता है तो उसका और पतन होता है। किसी भी भोग में है, जितनी मात्रा में अपने को हम गिराएंगे उतनी मात्रा में दुखी होते चले जाएंगे। इस तथ्य को हमें समझने की ज़रूरत है। अविद्या मूल है, अज्ञान मूल है, बेसमझी मूल है। बेसमझी के नाते हम भटकते हैं। कोई प्रलोभन में क्यों फंसा लेता है? क्योंकि हम बेसमझ हैं। भौतिक पदार्थों में क्यों आकर्षित हो जाते? क्योंकि हम बेसमझ हैं। इसलिए शुद्ध संग की जरूरत है, जिससे हमारा मन बलवान हो विवेक में। कल्याण मार्ग के लिए हम भूत प्रेत देवी देवता ईश्वर परमात्मा के पीछे पड़ते हैं। इतना ही नहीं, पेड़, नदी, समुद्र, चौरा, ये सबको जगह जगह सिर झुकाते हैं। पूरा काल से पेड़ की पूजा, चौरा की पूजा, मिट्टी की पिंडी की पूजा, नदी की पूजा, समुद्र की पूजा लोग करते रहे, इन सब से उनमें क्षणिक संतोष आता है। भूत प्रेत को कुछ लोग पूछते हैं, भूत प्रेत सिद्ध हो जाए तो सब काम बन जाएगा। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, भूत प्रेत एक मानसिक वहम है। देवी देवता देवता प्राकृतिक शक्तियों को वेदों में कहा गया है। देव का मतलब है चमकने वाला। यास मुनि ने जो वेदों के निरुक्तकार हुए हैं आज से 2800 वर्ष पूर्व, जिनका काल रहा है, उन्होंने केवल तीन देवता माना है। दुलोक में सूरज, अंतरिक्ष में वायु और पृथ्वी पर अग्नि। और वेद के सूत्रों से भी ऐसा आता है।
ये केवल तीन देवता हैं। दुलोक इन्हीं चमकते तारे मंडल के क्षेत्र में सूरज देवता है, अंतरिक्ष में वायु देवता है और पृथ्वी पर अग्नि देवता है। वैदिक ऋषियों ने प्राकृतिक शक्तियों को देव माना है और उसको समझना और उसका विवेक पूर्वक उपयोग करना है तो ठीक है, लेकिन जगह जगह जड़ पिंडियों को देवी देवता मान करके या वायव्य रूप में मान करके पूछते हैं लोग, उसमें उनको क्षणिक संतोष होता है, दुख नहीं दूर होगा। देवता पूछते पूछते जिंदगी बीत जाती है, बोध होता है? नहीं बोध हो गए, क्योंकि सारे देवता या तो मन कल्पित हैं या तो पत्थर की या मिट्टी की पिंडियां हैं। धरती पर जगह जगह जो स्थापित कर दिए जाते हैं वो मिट्टी की पिंडियां हैं, और जो पिंडी रूप में नहीं है वे मानसिक कल्पनाएं भावनाएं, तो इन सब में उनको थोड़ा सा संतोष मिलता है लेकिन दुख नहीं दूर होता है। जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के विषय में एक अवधारणा है कि वह व्यापक है या किसी लोक में है, महान बलवान है, समर्थ है, तो इसमें मन में थोड़ा संतोष ज़्यादा होता है। वो हमारा रक्षक है, अगर हम उसी पर निर्भर हो जाएं तो हमारा उद्धार करेगा। इसमें भी मानसिक संतोष होता है, बोध नहीं होता है। ऐसा मान करके जीवन बिता देते हैं लोग, वो निर्भय नहीं होते। ईश्वर हमारी अवधारणा है, ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है वो है नियम, विश्वव्यापी नियम, और उसको लोग न समझना चाहते हैं न उसके अनुसार जीवन बनाना चाहते हैं। उनको तो चाहिए व्यक्ति ईश्वर, कोई ईश्वर व्यक्ति है जो प्रार्थना करने से और लड्डू चढ़ाने से खुश होता है और हमारे सारे पापों को काट देता है और बिना हमारे परिश्रम किए भोग और मोक्ष दे देता है। ऐसे ईश्वर की आवश्यकता साधारण लोगों को है, उसको लड्डू चढ़ा दें, प्रार्थना कर दें, नाम जप दें, खुशामद थोड़ा कर दें तो हमारे पापों को काट दे और बिना हमारे त्याग तप के हमें हमारा कल्याण कर दे। व्यक्ति ईश्वर ही ऐसा कर सकता है, नियम नहीं कर सकता है। जो नियम रूपी ईश्वर है वो तो जो नियम होगा वही होगा। नियम में कृपा और कोप नहीं होता है, ध्यान दीजिए। जैसे आग का नियम है जलाना, तो उसमें कृपा भी नहीं है कोप भी नहीं, छुओगे तो जलोगे, नहीं छुओगे तो दौड़ के नहीं जलाएगी। प्राकृतिक शक्तियों में जो अपने नियम हैं, नियम में कृपा कोप नहीं है। नियम के अनुसार चलोगे सुखी रहोगे, नियम के विरुद्ध चलोगे दुखी रहोगे। लेकिन अगर व्यक्ति ईश्वर कोई है वो कृपा कोप कर सकता है, व्यक्ति कृपा कोप करता है, नियम कृपा कोप नहीं करता है। जैसे कि भोजन, दो रोटी खाने से आपका पेट ठीक रहता है तो आपके आंत का जो नियम है वो ये है कि इतनी मात्रा में भोजन पड़े पेट में तो ठीक रहेगा, अब उससे अधिक करेंगे तकलीफ होगी, क्षमा करने वाला वहाँ कोई नहीं है। संतुलित खाएंगे कोई कोप नहीं कर सकता पेट खराब कर दे, बहुत कम खाएंगे तो फिर कष्ट हो गए, एक दिन कम खाएं न खाएं कोई बात नहीं, लेकिन बराबर बहुत कम खाएंगे तो कष्ट होगा, ज़्यादा खाएंगे तो कष्ट होगा, संतुलित खाएंगे तो कष्ट नहीं होगा सुख होगा। इस नियम को समझ करके जब आचरण आप करेंगे तो सुखी रहेंगे। अब कोई व्यक्ति होता तब तो आप बहुत ज़्यादा खा लेते, वो हाथ उठा देता सब पच जाता, और कुछ भी न खाते तो भी खूब बलवान बने रहते उसकी कृपा से, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं।
तो हम ऐसे ईश्वर की कल्पना करते हैं जो व्यक्ति हो और जो लड्डू चढ़ाने से खुश होता हो, नाम लेने से खुश होता हो। हम स्वयं नहीं समझ पाते हैं जो ऐसा खुशामद पसंद हो, दिन भर जब उसका नाम जपो तो वो खुश हो, कितना कच्चा है ईश्वर। अखंड कीर्तन करेंगे तो ज़्यादा खुश हो जाएगा। अखंड कीर्तन करके पड़ोसियों की नींद हराम की जाती है, रात में भी लाउड स्पीकर से लोग चिल्लाते हैं। 10 बजे के बाद तो लाउड स्पीकर बजना नहीं चाहिए, लेकिन अब ईश्वर भक्तों को कौन रोके? धर्म निरपेक्ष राज्य है, और फिर धर्म पर आक्षेप हो जाएगा। धर्म को समझते कहाँ हैं लोग? ईश्वर ऐसा कमजोर है कि जब नाम लोगे तब खुश होगा, नाम नहीं लोगे तो खुश नहीं होगा, और लड्डू चढ़ाओगे तो खुश होगा, लड्डू नहीं चढ़ाओगे तो खुश नहीं होगा। ये वास्तव में हमारा अपना बनाया है। हमने व्यक्ति ईश्वर की कल्पना की अपने गर्ज के लिए, और गर्ज पूरी होने वाली है नहीं। व्यक्ति ईश्वर कहीं नहीं, नियम ईश्वर है जो विश्वव्यापी है। वो एक का नहीं है, एक मत का नहीं। ईश्वर न हिंदू का है, न मुसलमान का है, न ईसाई का है, न यहूदी का है, न कबीरपंथियों का है, न वैष्णव का है। ईश्वर तो सर्वव्यापी है, वो है नियम। वेद की ऋषियों ने उसको ऋत कहा, ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण। ऋत नाम नियम। वेद का जो ऋत है उसके 3 अर्थ हैं, यज्ञ का विधान, प्रकृति का नियम, नैतिकता का नियम। वेद क्या कहते हैं इसमें ये सब बातें लिख दी गई हैं। ऋत के 3 अर्थ हैं, यज्ञ का विधान, ऋत सदन यज्ञ मंडप को भी कहा गया है, और ऋत सदन इस ब्रह्मांड को भी कहा गया है। ब्रह्मांड ऋत सदन है, नियमों का महाघर है। तो ऋत नाम यज्ञ विधान, और ऋत नाम प्रकृति के नियम, और ऋत नाम नैतिकता के नियम। ऋत बहुत गंभीर शब्द है वेदों में, और सैकड़ों बार चारों वेदों में ऋत दोहराया गया है। वो ऋत ही ईश्वर है, उसको पहचानना चाहिए। छोटा सा पेट हमारे पास है, आंत है, जीवन बीत जाता है, हम इसको नहीं पहचान पाते हैं। बारंबार ज़्यादा खाते हैं, गलत खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, और जितना नहीं खाना चाहिए खाते हैं, और ईश्वर की भक्ति से सब समाधान चाहते हैं। जो असली ईश्वर है उसको समझते नहीं है। आसपास में लोग हैं, उनसे कैसे बर्ताव करना चाहिए इसकी कोई परवाह नहीं है। नाम जपना, कीर्तन करना, और देव मंदिर में लड्डू चढ़ा देना है। पड़ोसी से बैर करें, पत्नी ही से दुर्व्यवहार करें, लड़के से दुर्व्यवहार करें, माता पिता की अवहेलना करें, कोई हर्ज नहीं है। भगवान का भगत होना चाहिए। कौन सी भगवान की भक्ति? जो भगवान हमारे चारों तरफ हैं, उस भगवान का हमें पता नहीं, ख्याल नहीं। अगर ईश्वर की हम व्याख्या करें तो आदिदैविक अर्थ होगा प्राकृतिक नियम, आदिभौतिक अर्थ होगा मानव समाज, और आध्यात्मिक अर्थ होगा आत्मा। आदिदैविक ईश्वर है प्राकृतिक नियम, आदिदैविक का अर्थ है देव संबंधी। आदि कहते हैं आधार को, देव नाम प्राकृतिक शक्तियाँ। आदिदैविक का अर्थ हुआ प्राकृतिक शक्तियों के संबंध में अगर ईश्वर है तो वह उसका नियम है। आदिभौतिक का अर्थ है मानव समाज, प्राणी समाज। भूत कहते हैं प्राणियों को, भूत जड़ तत्वों को भी कहते हैं, भूत बीते हुए समय को भी कहते हैं, और भूत देहधारी प्राणियों को भी कहते हैं। जहाँ आदिभौतिक शब्द आता है वहाँ प्राणियों का अर्थ होता है, जैसे भौतिक ताप या आदिभौतिक ताप, प्राणियों से मिला हुआ कष्ट, सांप, बिच्छू, मनुष्य, मच्छर, सिंह,
किसी प्राणी से मिला हुआ कष्ट आदि भौतिक ताप कहलाता है। आदि भौतिक कहते हैं, आदि कुछ लोग नहीं कहते, भौतिक कहते हैं। भौतिक का मतलब भूत संबंधी, प्राणी संबंधी। आदि भौतिक क्षेत्र में अगर ईश्वर की व्याख्या होगी तो ये प्राणी समाज ईश्वर है, और आध्यात्मिक तीसरा जो निकट का क्षेत्र है वो अपना व्यक्तित्व है, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व है। और उस दृष्टि से अगर ईश्वर है तो आत्मा है। आदिदैविक क्षेत्र में प्रकृति के नियम ईश्वर हैं, आदि भौतिक क्षेत्र में प्राणी प्राणियों का समूह ईश्वर है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मा ईश्वर है। प्रकृति के नियमों को समझ करके वैसा आचरण करना ईश्वर की पूजा है। प्राणी समूह को ईश्वर मान करके किसी को तकलीफ न देना ईश्वर की पूजा है, और आत्मा को ईश्वर समझ करके आत्मलीन होना ईश्वर लीनता है। आत्मा ही की अंतिम उपासना है, आत्मा ही परम उपास्य है, क्योंकि आत्मा ही के लिए सब कुछ किया जाता है। ईश्वर की अगर हम व्याख्या करें वैज्ञानिक ढंग से तो आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक तीनों क्षेत्र में ईश्वर का वैज्ञानिक अर्थ ये होगा। आदिदैविक क्षेत्र में प्राकृतिक नियम ईश्वर है, उनको पहचानें और उनका उसी के अनुसार आचरण करें। और आदिभौतिक क्षेत्र में प्राणियों को ईश्वर रूप समझें, किसी को कष्ट न दें, कष्ट भर न दें, फिर सुख देने की जरूरत नहीं है। कोई किसी को धोखा न दे, किसी चीज न चुराए, किसी कटु न कहे, किसी तकलीफ न दे, दुनिया से बहुत दुख घट जाए। हम तो अपनी उन्नत के लिए दूसरों को तकलीफ देने में लगे रहते हैं। आदि भौतिक क्षेत्र में ईश्वर प्राणी समूह है, प्राणियों को ईश्वर समझना, विराट को समूह को विराट पुरुष, ये वेद में भी माना गया है। देखो यहाँ विराट पुरुष ईश्वर बैठा है। व्यक्ति व्यक्ति को व्यष्टि कहते हैं और बहुत से व्यक्तियों के समूह को समष्टि कहते हैं। इस दृष्टि से व्यष्टि जीव को कहते हैं और समष्टि पूरे समाज को कहते हैं। एक एक व्यक्ति मानो जीव है और बहुत व्यक्तियों का समूह विराट पुरुष है, पंच परमेश्वर गांव वाले भी कहते हैं। जब पांच इकट्ठे हो गए मानो परमेश्वर आ गया। तो इस प्रकार प्राण समूह के ईश्वर मान करके उसे तकलीफ न देना, जो बन सके सुख सुविधा देना ठीक है, न सुख सुविधा दे सके कोई बात नहीं, तकलीफ न देना। अवंततः आध्यात्मिक क्षेत्र में ईश्वर आत्मा, आत्मा निकटतम है, एक अनेक तरीका स्वयं स्वरूप है। आप आत्मा में ही सोते बैठते जागते सपना देखते सब कुछ करते हैं। जागते समय अपने आत्मा के साक्षित्व में सारा काम करते हैं, सुखी और दुखी होते हैं। कहीं अनुकूलता मिलती है तो आपको सुख लगता है, प्रतिकूलता मिलती है तो दुख लगता है। लेकिन सुख दुख का आघात प्रतिघात कहाँ होता है? आपके ऊपर। अब आप ही सुख दुख से ऊपर हो करके परम विश्राम की स्थिति में पहुंच सकते हैं, अब वह भी अपने ही में होगा। ये आत्मा ही आपका निधान है, आपका पद है, आपकी स्थिति है, आपका दिव्य धाम है। आत्मा नाम स्वयं, स्वयं ये चेतन सत्ता मैं हूँ। इसका अनुभव सबको होता है मैं हूँ, लेकिन तत्व से अनुभव करने वाला विवेकवान होता है। मैं देह के नाम रूप को लेकर के भी होता है जो अज्ञान है। मैं देह हूँ, मैं अमुक नाम वाला हूँ, अमुक वर्ण वाला हूँ, पिता हूँ, पुत्र हूँ, पत्नी हूँ, पति हूँ, भाई हूँ,
ससुर हूँ, दामाद हूँ, ये व्यवहारिक है। मैं तत्व आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध चेतन मात्र है। वह शुद्ध चेतन जो तत्व है मैं के रूप में, वही आत्मा कहलाता है और वही परम ईश्वर है, पर ब्रह्म है, परम तत्व है। और ये बात शास्त्रों में जगह जगह कही गई है। कबीर साहब की तो ये घोषणा ही है, कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाए। वे बारंबार घट घट में कहते हैं, बारंबार अंतर्मुख होने की बात करते हैं। पानी में मीन पियासी, मैं सुन सुनी आवत हाँसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, जल बिच कमल कमल बिच कलियां, तेही पर भवर निवासी। सो मन बस त्रैलोक भयो सब जति सती सन्यासी, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस अठासी। सो तेरे घटमाहि विराजे परम पुरुष अविनाशी, है हाजिर ते दूर बतावें दूर की बात निराशी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बिन गुर भरम न जासी। यह घोषणा कबीर साहब की बड़ी जोरदार है, पूरी वाणी में व्याप्त है। जहाँ पर मिलावट है वहाँ भी, गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब की वाणी सर्वाधिक है। सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत संतों की वाणियाँ हैं, लेकिन सर्वाधिक वाणी कबीर साहब की है और उसमें मिलावट है। जब से उसमें लिखा गया तब से तो मिलावट नहीं हुई, लेकिन उसके पहले की मिलावट है। अर्जुन देव ने भक्तों से सुन सुनकर, संतों से सुन सुनकर संग्रह किया और उसमें पता नहीं कितना मिलावट है। क्योंकि आप गुरु ग्रंथ साहिब में जो कबीर साहिब वाणी पढ़िए तो पंजाबी टोन में है, पंजाबी स्वर में है, और कबीर साहिब की भाषा कौन है? खड़ी हिंदी, भोजपुरी लटका, क्योंकि उनका खास केंद्र काशी रहा है। काशी से गोरखपुर का क्षेत्र उनका खास क्षेत्र रहा है, और फिर घूमे वो भारत और भारत के बाहर भी। काशी के एक ज्ञानी जी ने चित्र बनाया है कबीर साहब के भ्रमण का, कई वर्ष पूर्व बनाया है, और उसमें उन्होंने सिंध पंजाब तो खैरी तो भारत ही रहा है, अरब इराक ईरान नेपाल इत्यादि सबको बनाया है कि कबीर साहब यहाँ गए, कैसे कैसे गए, वैसे सड़क का भी चिन्ह भी बनाया है। अब कितना उसमें भावुकता हो सकती है, कितना सच, लेकिन ये तो सच है। देश विदेशे हों फिरा गांव गांव की खोरी, उन्होंने कहा है। भ्रमणशील थे वो, कोई कितना ही भ्रमणशील हो, कितना व्यापक पुरुष हो, लेकिन उसका एक केंद्र होता है, जहाँ जन्म होता है वो विशेष केंद्र होता है, भाषा उसकी वहीं की होती है। कबीर साहब की भाषा अगर आपको समझना है तो बीजक पढ़ना चाहिए। पूरे बीजक में खड़ी हिंदी है और भोजपुरी लटका है। फुल भल फुलल, मलिन भल गाथल, फुलवा बिनसगो भवर निरासल, कहें कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फुल रहल लो भाई। ये गाथल, निरासल, रहल, ये पंजाब में कहाँ कहा जाता है? और गुरु ग्रंथ साहिब में जितनी वाणी है सब पंजाबी भाषा से उत्प्रोत है, तो कबीर साहब का भाव भी उसमें है। बीजक के बहुत सारे पद हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, लेकिन सब पंजाबी टोन में है और मिलावट हो गई है, इसलिए परख करके ग्रहण करने योग्य है। जब से अर्जुन देव ने उसमें संयुक्त किया तब से मिलावट नहीं हुई, लेकिन पहले की मिलावट है। भखना साहिब की वाणी में राजस्थान की भाषा का प्रयोग, ऐसे गुजरात में, उड़ीसा में। कबीर साहब इतने व्यापक पुरुष हुए हैं
कि उनकी वाणी भारत के विभिन्न प्रदेशों में वहाँ के स्वरों में गाई गई है। इतना लोकप्रिय कोई संत नहीं हुआ है। पंडितों में वेद व्यास संस्कृत में हुए हैं और हिंदी में कबीर साहब। वेद व्यास के नाम पर बहुत लिखा गया है, उनका उनकी मोहर मार दी गई और वेद व्यास पर बहुत लिखा गया। ऐसे कबीर साहब के नाम से बहुत बने, लाखों वाणियाँ बनी। कोई भी वाणी हो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो लगा दिए तो निर्गुणी हो जाता है, वो चाहे उल्टा सुलटा हो। आप लोगों से निवेदन है कि बीजक आप खूब पढ़िए, बीजक की कसौटी से कस करके अन्य वाणियों को मानिए। तो कबीर साहब, मैं कह रहा था कि जो भिन्न प्रदेशों के की भाषाओं में भी कबीर साहब की वाणी है, उसमें भी ये बात व्यापक है कि परमात्मा भीतर है, परमात्मा बाहर नहीं। वेद में ये बात है, उपनिषदों में बात है। उपनिषद तो इसके लिए कहते ही हैं सब। उपनिषदों में परोक्ष ब्रह्म की चर्चा है, लेकिन अपरोक्ष ब्रह्म ही उसका सच्चा ज्ञान है। वेदांती लोग भी परोक्ष ब्रह्म का खंडन कर देते हैं। परोक्ष का मतलब मन से कल्पित। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष ये तीन बातें हैं। प्रत्यक्ष है जो इंद्रियों से दृश्यमान है, जो इंद्रियों से प्रतीत हो। परोक्ष है जो मन की कल्पना हो, और अपरोक्ष है जो स्वयं आत्मा है। आदमी जीवन भर प्रत्यक्ष में डूबा रहता है, नींद खुली, देह सामने, खाना पीना सामने, बाल बच्चे परिवार या जो कोई नेमी प्रेमी साथी बराती हुए सामने, हर शोक सुख दुख हानि लाभ, इसी में मनुष्य का मन डूबा रहता है। इसलिए हरदम दुखी रहता है। जिसमें उसका मन डूबा रहता है वो स्थिर नहीं है, न तो प्राणी स्थिर है न पदार्थ स्थिर है। जिस पर भयंकर गुमान है वो क्षण ही में हवा हो जाता है। इस समय तो घटना जो पीछे चुनाव हुआ उसकी याद मुझे ज़्यादा आ जाती है, अब तो पुरानी हो गई है, कभी कभी आ जाती है। भारत के सभी ज्योतिषी कस के लिखे थे अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री होंगे। अब अटल जी भी बेचारे तैयार बैठे थे धोती कुर्ता संभाले कि अब तो बस फिर बैठने हैं, और क्षण ही में ऐसा हुआ कि बेचारे भूमगत जैसे हो गए। किसका गुमान किया जाए। कांग्रेस जीती, लेकिन कांग्रेस स्वयं नहीं जानती थी कि मैं जीतूंगी, और विरोधी पक्ष जानते थे हम जीतेंगे, और लोग भी यही सोचते थे। मैं भी सोचता था अभी तो अटल जी एक बार चलेंगे। अरे कैसा हुआ तमाशा, किस चीज का अहंकार किया जाए। जब शरीर अपने बस में नहीं है, कब ये भूल उंठित हो जाए तो किस चीज का घमंड है। शरीर हमारे बस में संयम की दृष्टि से हो सकता है, और इसी से कल्याण है। तो प्रत्यक्ष में हमारा मन डूबा रहता है, और प्रत्यक्ष सब चंचल है, सब चंचल है। बड़े से बड़े पद, धन, जवानी, प्रभुता, पत्नी, पति, शिष्य, मठ, मंदिर, सब क्षणिक है, और कुछ विश्वास नहीं किया जा सकता है इसमें कब क्या हो जाएगा। इसीलिए इसमें मन रखने वाले सब दुखी रहते हैं, प्रजा से राजा तक। इससे ऊब करके कुछ लोग परोक्ष में खोजते हैं, तो मन की कल्पना करते हैं, कोई देवता, कोई परमात्मा, कोई भगवान दुख दूर करेगा, तो उनमें इन सब बातों में उनको थोड़ा संतोष होता है। लेकिन भटकना बंद नहीं होता, दुख दूर नहीं होता। जब अपरोक्ष बोध होता है आत्मा का कि मुझे कुछ पाना नहीं, इस संसार से हमें कुछ पाना नहीं,
मेरी आत्मा के समान मेरा कोई धन नहीं है, मेरा अखंड खजाना मेरा अपना सत्व है, आत्मा है। अब शरीर है तो मेहनत करना है, मेहनत में जो मिले थोड़ा मोड़ा खाना पीना सोना जागना, इस शरीर की यात्रा चल रही है। जीवन बहुत सरल है, कठिन नहीं है, बड़े आनंद से कट सकता है। मेहनत करो, जो मिल जाए उसमें संयम से खाओ पियो, सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। आजकल में ये मिट्टी का लौंदा फूट जाएगा। थोड़े दिन सावधानी से बरतो, संयम से कृतार्थ रहो, जीवन मुक्त रहो, शरीर छोड़ दो, विदेह मुक्त हो जाओ। नहीं विदेह मुक्त होना चाहते हो तो फिर जन्म आपका विचार। ये बात समझना भी कठिन है, लेकिन ये तो समझना बहुत सरल है कि दुनिया की वस्तुओं की आशा करके जियोगे तो निराश होगे। इसलिए निराश होकर के जियो, निष्काम होकर के जियो, कर्तव्य केवल करो, जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। तो परोक्ष की कल्पना न करो, अपरोक्ष बोध में आओ, आत्मा में। कल्याण है दुख से मुक्ति, इस जीवन में रहते रहते भय ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई उद्वेग ना हो, कोई अशांति ना हो, हरदम तृप्ति, आनंद, प्रसन्नता, निर्भयता, ये कल्याण की दशा है। और ये कल्याण न तो कल्पित भूत प्रेतों के पूजने से होगा, न पेड़ पौधे और नदी तालाब के पूजने से होगा, न देवी देवता को मनाने से होगा, और न ईश्वर ईश्वर पुकारने से होगा, ये जीवन को बदलने से होगा। और जीवन को बदलने के लिए असली ईश्वर को समझना होगा, जिसकी व्याख्या मैंने की, आदि दैविक ईश्वर प्राकृतिक नियम, आदि भौतिक ईश्वर प्राण जगत, आध्यात्मिक ईश्वर आत्मा। आदि भौतिक जगत के प्राकृतिक नियमों को पहचान कर सही आचरण में चलें, आदि भौतिक क्षेत्र के प्राण जगत को परमात्मा रूप मानकर सबके साथ सुंदर बर्ताव करें, और आध्यात्मिक क्षेत्र का ईश्वर आत्मा है, उस आत्मा को पहचान कर अपने आत्मा में स्थित हो। अब आत्मा में स्थित होने के लिए आध्यात्मिक साधना करें। आत्मा जिसका आधार हो आध्यात्मिक है, शरीर इंद्रियां और मन ये आध्यात्मिक है, क्योंकि इसका आधार आत्मा है। मैंने पहले कहा अधिनाम आधार, आत्मा जिसका आधार है वो कौन है? शरीर, मन, इंद्रियां, ये सब का आधार आत्मा है। आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ है मन इंद्री का संयमन, इंद्रियों पर संयम, वाणी पर संयम, मन पर संयम। जो इंद्रियों से दुर्व्यवहार नहीं करता है, अपनी इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता है, क्रोध, काम, लोभ, मोह के अधीन नहीं होता है, संयत रहता है, जिसकी वाणी संयत रहती है, जिसका मन संयत रहता है, उसको माना जाएगा वो आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नत है। ऐसा व्यक्ति ही आत्मा में स्थित होता है। जिसका मन का ठिकाना नहीं, वाणी का ठिकाना नहीं, कर्मों का ठिकाना नहीं, कहाँ बह रहे हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, कैसे आत्मा में स्थित होंगे? आत्मस्थित ही स्वर्ग है, आत्मस्थित ही मोक्ष है, आत्मस्थित ही ब्रह्मधाम पहुँचना है। साकेत लोग, गोलोक, कहीं नहीं है बाहर। जन्नत और स्वर्ग ये आत्मस्थित ही है, बाहर कहीं नहीं। बाहर तो अलंकार है, नाना मतों में बड़े अलंकारिक शब्दों में कहा गया है, चित्त की निर्मलता स्वर्ग है, चित्त की प्रसन्नता आनंद स्वर्ग और मोक्ष है, यही कल्याण अवस्था है। और इस कल्याण अवस्था को प्राप्त करने के लिए कोई दिन, तिथि, वर्ष और महीने अमुक प्रकार के नहीं चाहिए।
जिन दिन तिथि महीने में आप गुजर रहे हैं यही सब वो दिन है, यही धूप यही छाया यही वर्षा और ठंडी, यही हल्ला गुल्ला धूल गर्दा गुब्बार और इसी राग द्वेष भरे संसार में, सूखा और दाहा भरे संसार में रहकर आप अपना कल्याण पूरा कर सकते हैं। जब बुद्ध रहे हैं, महावीर रहे हैं, कबीर रहे हैं, सनत कुमार रहे हैं, सुखदेव रहे हैं, राम और कृष्ण रहे हैं, ईसा और मोहम्मद रहे हैं, जरथुस और कन्फ्यूशियस रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े संत और महापुरुष रहे हैं, तब कोई सोने चांदी की जमीन नहीं रही, तब कोई ठंडी गर्मी वर्षा इससे भिन्न नहीं रही। पुराने ग्रंथों को पढ़ो, कला कला कला, वेद पढ़ो चाहे बाइबिल पढ़ो चाहे कुरान पढ़ो, सब में बात आती है कैसे कलहप्रिय लोग थे और उन्हीं कलहप्रिय लोगों को डांट डांट करके उन महापुरुषों ने रास्ते पर लगाने के लिए उस सब की रचना की। आज का जमाना खराब नहीं है, आज के जमाने में आपको अपना कल्याण करना है और आज करना है, आज का दिन आपके बस में है, अभी अभी करना है इसी क्षण, अब आप इसमें पूरा समर्थ हैं। इसको ठीक से समझें, अपने को संभालें, अपने ऊपर संयम करें, बाहर परमात्मा मान करके भटकने की आदत छोड़ें, ये आदत बहुत है। और कारण है कि गुरु लोग ऐसा दृढ़ाते हैं परमात्मा के दर्शन, चारों वेदों में कहीं परमात्मा के दर्शन की मुझे लाइन नहीं मिले, छह शास्त्रों में नहीं मिले, समस्त उपनिषदों में नहीं मिली जो प्रामाणिक उपनिषदें हैं। प्रामाणिक उपनिषदों को मैंने पढ़ा, 11 उपनिषदों को खूब पढ़ा, अनेक बार पढ़ा, उस पर लिखा भी उपनिषद सौरभ। कहीं ये सब में ईश्वर के दर्शन परमात्मा के दर्शन की बात नहीं आई, पुराणों में महाकाव्यों में आई, इसी में बहुत भूल भुलैया की बातें हैं। दर्शन दृश्य के होते हैं, दृश्य रूप होता है, जड़ होता है, परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। परमात्मा की तो स्थित है, आत्मा जब निर्मल दशम पहुंच गई बस वो परमात्मा है, कृतार्थ अवस्था परमात्मा अवस्था है। कल्याण दुखहीन दशा, चित्त की दुखहीन दशा कल्याण है। अब आदमी इसमें पूरा समर्थ है, प्रधानमंत्री होने में समर्थ नहीं, डिप्टी कलेक्टर होने में भी समर्थ नहीं, कुछ लोग होंगे सब थोड़े होंगे, और डिप्टी कलेक्टर भी बेचारे रिटायरमेंट पा जाएगा, उसका भी रिटायर की दशा आ जाएगी, और किसी भी बात में हम स्वतंत्र नहीं हैं, कल्याण में पूरा स्वतंत्र है। कल्याण में तो समझना है और समझ करके अपने को संभाल लेना है, अब आप ही संभालेंगे, कोई परमात्मा दूसरा आपको संभाल नहीं पाएगा, कोई ईश्वर की कृपा से आपका काम बनने वाला नहीं, आपकी अपनी कृपा अपने ऊपर होनी चाहिए तब काम बनने वाला है। सबकी कृपा हमारे ऊपर है, अपनी कृपा नहीं है। इतनी खुली हवा मिल रही है, सूरज का प्रकाश मिल रहा है, इतनी बड़ी धरती पर हम घूम रहे हैं, नदियां बह रही हैं, गंगा जमुना के बीच में हम बैठे हैं, और सर्वत्र प्रकृति रस से पूर्ण है, कौन सी कृपा आपके ऊपर बाकी है। शरीर मिला है, शास्त्र मिले हैं, संतजन मिले हैं, आपको अपना काम करना पड़ेगा। अपनी कृपा जब तक अपने ऊपर न होगी कोई कृपा काम करेगी नहीं। कल्याण है दुखहीन मन की दशा। दुखहीन मन वही होगा जो दोषहीन मन होगा, और दोषों को हम जीतना नहीं चाहते हैं, नाम जप करके मुक्ति चाहते हैं, लड्डू चढ़ा के मुक्ति चाहते हैं, कहीं गुरु बाबा से मंत्र लेकर के मुक्ति चाहते हैं। ये ठीक है, लड्डू चढ़ाओ, नाम जपना भी गलत नहीं है, कोई पवित्र नाम कब पवित्र मंत्र जपना चाहिए, और जपने से अपने मन में थोड़ा सा सुधार होगा,
जो धर्म के छोटे छोटे साधन हैं वो सब गलत नहीं है। नमाज पढ़ना, पूजा करना, पाठ करना, गंगा में कोई नहाता है नियमित, इसी बहाने घर से वो चलता है, नहाता है सुबह, अच्छा करता है। लेकिन वो गंगा में डुबकी लगाएगा तो सब पाप कट जाएगा, ऐसा नहीं। ये सब विश्लेषण करने योग्य है। कबीर साहब की वाणी की विशेषता यही है कि वो सब विश्लेषण करके रखते हैं। एक रुपया कोई आपको दे, वो कहे 10 कुंतल बासमती चावल इसमें मिलेगा, तो धोखा दे रहा है। लेकिन 1 रुपये में कुछ तो मिलेगा जरूर। ऐसे नाम जप, नमाज, पूजा, कीर्तन, सब में कुछ न कुछ मानसिक प्रसन्नता और स्वच्छता मिलती है। लेकिन पूरा दुख दूर होगा जब दोष हमारे जीवन से निकलेंगे। कोई क्रोध, काम, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, संताप, ये सब मन में रख करके चाहे कल्याण हो जाए। कैसे कल्याण? कल्याण का मतलब क्या है? कल्याण का मतलब है मन की निर्मल अवस्था। और मन को निर्मल कौन करेगा? आपके मन का दृष्टा कौन है? आप हैं। गुरु भी केवल रास्ता दिखाएगा, उपदेश करेगा, चलना पड़ेगा आपको खुद। तो कल्याण मन की दुखहीन अवस्था है, बड़ी सरल साधना है, कोई भी अवस्था प्राप्त कर सकता है। बस आकर्षण प्रलोभन छोड़ना है। मैंने शुरू में कहा था अविद्या, अज्ञान हमारे चित्त का यही मुख्य रोड़ा है और हम आकर्षित होते हैं। और ये भी मैंने कहा था कि आप जहाँ जहाँ आकर्षित हुए हैं उनमें आप विकर्षित हुए हैं उनसे। जहाँ आपको आकर्षण हुआ है पीछे आपको चोट लगी। मैंने महाराज राम का उदाहरण दिया, दशरथ का दिया, सीता जी का दिया। ये लोग आकर्षित हुए, दुखी हुए। दशरथ कई कई में आकर्षित हुए तो अंत में उन्हीं से प्राण पीड़ा लगी। सीता जी और महाराज राम स्वर्ण मृग से आकर्षित हुए तो उसी के पश्चात कठोर दुख हुआ। तो जहाँ जहाँ हम आकर्षित होते हैं वहीं पीड़ा उपस्थित होती है। और आकर्षण कहिए या मूर्खता कहिए, बातें कहिए, मूर्खता कठोर शब्द है और आकर्षण कोमल शब्द है जो बड़ा प्यारा है, लेकिन कठोर से काम बनने वाला है। फोड़ा है तो ऑपरेशन करके गहराई से निचोड़ दिया जाता है, तब मल निकलता है। अपनी मूर्खता को हम समझें। जहाँ जहाँ हम आकर्षित होते हैं विषयों में हमारी मूर्खता है, और यही मूर्खता हमें रुला रही है। इससे मुक्ति लेने के लिए हमें सत्संग, स्वाध्याय, साधना में दृढ़ता से लगना चाहिए। कल्याण आपके हाथ में है। संत गुरुजन रास्ता दिखाते हैं, ऋषि मुनियों, पीरों, पैगंबरों ने रास्ता दिखाया। दुनिया के समस्त शास्त्रों में कल्याण की बात बताई गई है। हमें छान विचार करके लेना चाहिए, सार तत्व को लेना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कल्याण है मन का पूर्ण विश्राम, पूर्ण शांत, पूर्ण निर्भयता, पूर्ण निश्चिंतता। और ये काम बहुत सरल है, बहुत सस्ता है। सरल जीवन बनाओ, हमने अपने जीवन को जटिल बना लिया, इसलिए दुखी हो गए। जगह रोड़ा है कल्याण मार्ग में हमारी अविद्या, और हमारी अविद्या को उत्साहित करने वाले कुसंगी प्राणी और फिर ऐसे प्रलोभन के पदार्थ। इनसे बचने के लिए सहायक कल्याण मार्ग में है जो हमें अंतर्मुख की तरफ प्रेरित करते हो, वह हैं संत, सज्जन, गुरुजन, सत्साहित्य। उनमें हमें लगना चाहिए। जीवन बहुत संवेदनशील है, भावुकता में पढ़ करके भटक जाएंगे और बह करके ठिकाना कहीं नहीं रहेगा। विवेकवान बने, संभालें अपने को, संयमित हों, अपने जीवन का उद्धार करें, शुभ मार्ग में चलें, अशुभ को छोड़ें।
शुभ अशुभ केवल इतने में है, अपने मन इंद्रियों को लंपट करना और दूसरे को पीड़ा देना यही अशुभ है। अपने मन इंद्रियों पर संयम करना और दूसरे को दुख न हो, ये मनसा वाचा कर्मणा ध्यान रखना यही शुभ है। जो अपने मन इंद्रियों से लंपट होगा वो दूसरे को पीड़ा देगा। लंपट आदमी ही आपाधापी करता है, अनैतिक काम करता, अमर्यादित काम करता है, हिंसा करता, लूटपाट करता है। जितना हम अपने मन इंद्रियों से लंपट होंगे उतने हिंसक होंगे। हिंसा और लंपटता छोड़ देना ये साधना है। इसके लिए संत गुरुजन सत्शास्त्र आधार है। और यह काम जो करेगा प्राण मात्र को सुख देगा। जो अपने को संभाल लिया, हिंसा का परित्याग कर दिया और लंपटता का परित्याग कर दिया, वो भव का भूषण है, वो समाज का महासेवक है। उसके द्वारा किसी को पीड़ा नहीं हो सकती, दूसरे को सुख मिलेगा। स्वयं कल्याण की तरफ चलें, दूसरे के कल्याण में सहयोगी हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।